अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए ब्लैक छोले, वो भी झटपट बनाने की रेसिपी। तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ब्लैक छोले हाफ के जी बॉयल हुए हुए, 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, ठीक है, 1/2 गड्डी जो है ना पुदीने की, 1/2 गड्डी जो है ना हरी धनिए की ले लें, वैसे छोटी छोटी होती हैं। तो ये इमली का पल्प देखें, इस तरह से मैं इसको भिगो दिया था 10-15 मिनट पहले और इस तरह रेडी हो गया बिल्कुल। अब ये जो है, हमने 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का लिया है, 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें हल्दी, कुटी मिर्चें और पिसा हुआ धनिया हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारी इसमें आ गई। अच्छा जी, अब ये है हमारा इसमें चाट मसाला, गरम मसाला और भुना हुआ जीरा। ये तीनों चीज़ें हमें 1/2 टीस्पून लेना है, टेबलस्पून नहीं लेना, ठीक है। कुछ लीव्स हमने कड़ी पत्ते के लिए हैं, ये हमने 1/2 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1/2 टेबलस्पून हमने राई और ये हसबे ज़ायका सॉल्ट, ठीक है। आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं कि हमारी रेसिपी में किस तरह स्टार्ट होती है। देखिए, ये मैंने ऑयल पहले से गर्म कर लिया था, अब इसके अंदर हम ज़ीरा और राई डाल के इसको बस कुछ सेकेंड के लिए कड़कड़ाएँगे, जैसे कहते आवाज़ आती है ना कड़कड़ की, तो उस कड़कड़ाएँगे। उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, जी कड़ी पत्ता और प्याज साथ ही ऐड कर देंगे हम इसकी। देखें, प्याज भी ऐड कर दी हमने। अब हम जो हैं इसको फ्यू मिनट्स इसको बस आप फ्राई करेंगे, 1/2 लाइट सी ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है बिल्कुल। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है फिर हम अपना लहसुन अदरक को ऐड करेंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, लहसुन अदरक अच्छी तरह से प्याज हो उसमें फ्राई हो जाए। तो उसके अंदर हम जो है अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कुटी मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, अब ये हमारा चाट मसाला, भुना हुआ ज़ीरा और गरम मसाला, ये तीनों चीज़ें ऐड कर ली हमने। टमाटर भी ऐड कर देंगे इसके अंदर साथ ही, ठीक है। इसको टमाटर को बारीक बारीक काट लें ताकि जल्दी से हो जाए। इफ्तारी में इतना टाइम होता नहीं है, इफ्तारी के टाइम पर, तो इफ्तारी से 1-2 घंटे पहले ही बना लें ज़्यादा, ताकि वो गरम गरम का जो मज़ा है ना वो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। तो मैं थोड़ी देर पहले ही बनाती हूँ। तो ये टमाटर को इस तरह से थोड़ा सेट करके उसके अंदर थोड़ा सा आप जो है ना सॉल्ट ऐड कर दें, जितना आपको अपने हिसाब से। और क्या कहते हैं, मैंने छोले बॉयल कर रहे थे रात में भिगोने के बाद, उसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था बॉयल करते वक्त, तो फुल बॉयल करें बिल्कुल, मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, सारा मसाला मिक्स हो गया। तो अब हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे अपना थोड़ा सा लिटिल बिट सा पानी, देखिए हल्का थोड़ा सा पानी बिल्कुल हमने लिया है। तो ये हमें इसको इसमें इसलिए डाला था कि ये टमाटरों को सॉफ्ट कर दे और मसाला एक जान हो जाए, और ताकि छोलों के अंदर जब हम अपने छोले ऐड करें तो उसके अंदर ना मतलब पता ना चले। मैंने हल्का सा 5 मिनट दम के लिए ढक दिया टमाटरों को। अब टमाटर हमारे जो है ना नरम हो चुके हैं, अभी इसको इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे, चमचे से भी हो सकता है मगर आप इस तरह से मैश कर लें, इससे बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये इस तरह से इसको मैश कर लें, जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल टमाटर टूट जाएंगे तो फिर मैं इसमें छोले ऐड करूँगी। ये देखिए मसाला मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से जो है बिल्कुल वो हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी मैं बाद में, जो मैंने बाकी का जो है मैंने गार्निश के लिए रख दिया। ये हरा धनिया पुदीना दोनों मैंने मिक्स कर दिया, बहुत अच्छा टेस्ट पुदीने का, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है समझे। छोलों में, ब्लैक छोलों में सबसे ज़्यादा जो इन्हेंस होता है जो टेस्ट, वो पुदीने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब मैं इसके अंदर छोले ऐड कर रही हूँ। और छोलों को मैं ऐड करते हुए आपको एक बार बताना चाहती हूँ, देखिए मैं छोले ऐड तो कर रही हूँ साथ साथ मैं इसके अंदर जो है ना उसका पानी भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। मैं पूरा छोले डालने के बाद आपको दिखाऊँगी मैंने कितना पानी डाला है, क्योंकि लोग क्या करते हैं सिर्फ छोले डालते हैं पानी नहीं डालते। तो पानी में तो सारी तासीर सारी ताकत उसकी आ चुकी है, बहुत नहीं डालें, थोड़ा सा डालें बस। ये देखिए मैं छोले डालते जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ ताकि सारे मिक्स होते जाएँ, पकते जाएँ। और मैं सारे छोले डालने के बाद उसमें थोड़ा सा बिल्कुल जो है
पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है इसमें प्याज। मैं आपको इसी वजह से इतना डाल के दिखा रही हूँ कि आपको पानी दिखा सकूँ कितना पानी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना पानी होगा, हाफ कप के करीब होगा। ये देखिए हाफ कप के करीब ये पानी है जो मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने, इसे आपको दिखाने के लिए, वरना मैं चाहती हूँ सब एक एक साथ डाल देती थी कि ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम इतना बनाए पकाएंगे कि पानी बिल्कुल, इमली का पानी भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे, इमली का पल्प भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे ताकि छोले जो हैं इनके सबके साथ एक साथ ही पानी इनका जो है खुश्क हो जाए। जितना आपको खट्टा खाना है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत से लोग जो है लाइट, तो मैंने इतना डाला था कि जितना मुझे पसंद है। देखिए मेरी फाइनल लुक आ गई है। चलें जी तो हम डिश आउट करते हैं, उसके साथ आपको दिखाते हैं फाइनल इसकी लुक। तो ये जी लीजिए इसका फाइनल लुक आ गया है आपके सामने। ये इस तरह से रेसिपी है मेरी, बहुत झटपट ये तैयार हो जाते हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप लोग सपोर्ट करें। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे नुज़हत हसन को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।